दोस्तों, ब्लॉगर के ट्यूटोरियल नंबर 2 में हम सीखेंगे ये ब्लॉगर की सेटिंग और ये कुछ टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप अपना ब्लॉग ओपन करते हैं तो आपके सामने ये सबसे पहले आता है ऊपर वाला पोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा किस तरह आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको क्लिक करके न्यू पोस्ट पर एक पोस्ट क्रिएट करनी होगी और वो आपके पेज पर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लिखा है नो पोस्ट। तो उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है स्टेट्स। स्टेट्स मतलब आपके पेज व्यूज कितने हैं, पेज व्यूज कल कितने थे, इस मंथ के कितने हैं और ऑल टाइम कितने हैं। और यहाँ पे आपको बताता है फॉलोअर्स कितने हैं आपके। और उसके बाद यहाँ पे पोस्टर्स के आपको बताता है कि मतलब पोस्ट पे कितने व्यूज हैं, इस पर कितने आए हैं। और ये ट्रैफिक सोर्स बताता है किस मोबाइल से आए हैं, किस और से आए हैं, क्या कीवर्ड लिखा उन्होंने। रेफरिंग यूआरएल मतलब यूआरएल क्या लिखा कि आपका मतलब ये वेबसाइट आई। उसके बाद ऑडियंस, पेज व्यूज बाय कंट्रीज, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम बताता है कि एंड्रॉयड है, iOS है या कंप्यूटर है। और यहाँ पे ब्राउजर बताता है क्रोम है या फायरफॉक्स है। और यहाँ पे कंट्रीज बताता है पाकिस्तान है या USA है या अमेरिका या कोई और मुल्क है। उसके बाद हमारे पास तीसरा सेक्शन आ जाता है कमेंट्स का। कमेंट्स में दोस्तों आप यहाँ पे आपके यहाँ पे कमेंट्स आएगा, आप उनको चाहे डिलीट कर सकते हैं, उनको पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पैम फोल्डर में वो कमेंट्स आएंगे जिनमें लिंक्स होंगी। अगर आपको चाहे कि ये लिंक्स मेरे कमेंट्स में आए तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद चौथे वाला ऑप्शन है हमारे पास अर्निंग्स का। दोस्तों, ये गूगल एडसेंस को आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली तकरीबन 3 या 4 दिन पोस्ट करते हैं तो आपका ये इनेबल हो जाएगा। वैसे ये कहते हैं 3 मंथ 6 मंथ के लिए बाद आपका ये ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पांचवा है कंपेग। यहाँ पे हमारे पास पांचवा है कंपेगियंस। मतलब दोस्तों, आप अगर गूगल पर ऐड लगाना चाहते हैं, मतलब अगर कोई बंदा सर्च करे तो टॉप पे आपकी ऐड आए, तो आप यहाँ से ये लगा सकते हैं स्टार्ट नो के बटन पे क्लिक करके। मैं इस पर पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा। और अगला ऑप्शन है पेजेस। दोस्तों, यहाँ पे हम पेजेस क्रिएट करेंगे जो कि हमारे टेस्ट ब्लॉग हेडर के नीचे यहाँ पे आएंगे। और इस पेजेस को हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाना सीखेंगे। तो ये मैं इस पर पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट मतलब ये हमारा ये हेडर यहाँ आ रहा है, यहाँ पे पोस्ट इसके नीचे आए, यहाँ इस चीज़ के ऊपर आवे, इस चीज़ के ऊपर आए, यहाँ हमारा ये डिलीट हो जाए या इसको नीचे रख सकते हैं आप। ये मतलब लेआउट पूरा अपना आपकी टेम्पलेट का होता है। उसके बाद थीम आ जाता है, आप यहाँ पे थीम को चेंज कर सकते हैं। और इस पर भी पूरा मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा। और उसके बाद आखिर पे सेटिंग आती है और इस पर भी आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दोस्त से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे ब्लॉगर ट्यूटोरियल के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अच्छे ट्यूटोरियल के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।